हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और मैं आपको करा रही थी ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें से हम लोगों ने 160 तक कर लिए थे और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 161 से। तो क्वेश्चन नंबर 161 से शुरू करते हैं। कारखानों की चिमनियों से धुएँ के प्रदूषण होता है, यानी कि कारखानों और जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है उससे कौन सा प्रदूषण होता है, हमें ये बताना है। नंबर एक वायु प्रदूषण, नंबर दो मृदा प्रदूषण, नंबर तीन ध्वनि प्रदूषण, नंबर चार जल प्रदूषण। तो क्योंकि धुआं है तो धुएं में क्या होंगी, इसमें होंगी गैस, ठीक है, इसमें होंगी गैसें। और गैसों से हमेशा याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये हमेशा प्रदूषक गैसों में चुनी जाती हैं, यानी कि उन्हीं में गिनी जाती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कभी भी प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। तो ये गैसें होंगी तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, गैसें किस में आती है, ध्वनि में नहीं आती हैं, जल में भी नहीं आती हैं और मृदा में भी नहीं, ये आती हैं वायु में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, कौन सा वातावरणीय प्रदूषण नहीं है, इसमें हमें बताना है कि वातावरण में कौन सा प्रदूषण नहीं होता है। नंबर एक सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर दो कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर चार DDT। तो देखो हमें बताना है वातावरण में, ठीक है, और इसमें जो ये DDT होती है ये मृदा में आती है, ठीक है, ये वायुमंडल में मृदा के अंतर्गत आती है, ना कि वायुमंडल में वायु के अंतर्गत। और वातावरण से यहाँ मतलब है वायुमंडल से। ये देखो ये तीनों क्या हैं, गैस हैं और ये एक अलग है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नाभिकीय विस्फोट से होता है, नाभिकीय जो विस्फोट है उससे क्या होता है, हमें ये बताना है। तो प्रदूषण हमेशा याद रखना कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम, लिख देती हूँ प्लूटोनियम, ठीक है, ये जो होते हैं ये हमेशा प्रदूषण करते हैं। तो इसमें से जो नाभिकीय विस्फोट है उसमें से निकलती हैं विकिरण, ठीक है, विकिरण, और विकिरण से निकलती हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और गामा किरण, जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन ये ऊतक यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनको आर पार करके निकल जाते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचाते हैं। प्रकृति में दो तरीके के जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानवीय। जो प्राकृतिक होते हैं उसमें से आते हैं जैसे कि रेडियो न्यूक्लाइड्स, और जो द्वितीय होते हैं जो मानव विकिरण करते हैं उसमें आते हैं नाभिकीय विस्फोटक, नाभिकीय ऊर्जा, ये आएंगे मानव निर्मित में। तो और जो नाभिकीय विस्फोटक है ये भी एक मानव निर्मित है, यानी कि मानव करता है, और इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है विकिरण या फिर गैसेस। और ये किस तरीके का है, एक रेडियोधर्मी है, इसका जो प्रकार है नाभिकीय विस्फोटक ये एक रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट, भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी, इसमें हमें बताना है कि भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी। तो याद रखना ये घटना हुई थी 1984 में, भोपाल में हुई थी और गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये, ठीक है, इसका हो गया बी। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई है, अच्छा ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर जो प्रदूषण होता है उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, जो कि इंसान सह नहीं सकता। बाकी के प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो तुरंत नहीं दिखता, परंतु जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका प्रभाव तुरंत दिखता है इंसान पर। इससे क्या होता है, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं सिर दर्द होता है, क्रोध आता है, बहरापन हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है,
और ये किससे होता है, कारखानों से आने वाली आवाज़, ठीक है, इस्पात कारखाने या फिर कपड़े की जो मिल है, ठीक है, किससे, कपड़े की मिल से, कपड़ा मिल से। और भी जितनी कार और भी जितने भी कारखाने होते हैं उनसे भी आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इसे किससे नापते हैं, तो डेसीवल, जैसे कि इसमें दिया है डेसीवल, ठीक है, मापते तो इसे हम डेसीवल में, परंतु अगर इसकी पूछी है आवृत्ति किस में मापते हैं, तो वो याद रखना वो है हर्ट्स, ठीक है, क्या है, हर्ट्स। और WHO ने जो ध्वनि प्रदूषण बताया है वो बताया 45 डेसीवल, ठीक है, और भारत कितना मानता है अपने इंडिया, वो है 60 डेसीवल, ठीक है। और अगर 90 डेसीवल, याद रखना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 90 डेसीवल से अगर अधिक ध्वनि हो तो कौन सी बीमारी होती है, तो हो जाती है न्यूरोटिक मेंटल, ठीक है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। और इसके लिए कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, जो हम लोग वृक्ष लगाते हैं वो है सीता अशोक, सीता अशोक के वृक्ष लगाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो वो भी संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो होगा डेसिबल, डेसिबल और हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स क्या होती है, आवृत्ति नापती है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, नंबर एक वर्षा की कमी, नंबर दो जल चक्र का बाधित होना, नंबर तीन जल में लवण की मात्रा का बढ़ना, नंबर चार जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की कमी। तो इसमें किससे पूछा गया, जल प्रदूषण से, ये देखिए जल प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जलीय जीव के लिए जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जलीय प्रदूषण होगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जलीय जीव है वो जल में रहते हैं, और जब जल में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सारा का सारा पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, तो क्या उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, खुला विस्तृत शौचालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है, खुला विस्तृत शौचालय, ये देखिए खुला विस्तृत शौचालय, नंबर एक उत्तरी अमेरिका, नंबर दो चीन, नंबर तीन अफ्रीका महाद्वीप, नंबर चार भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसका जो सही है, ये फैक्ट है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, यह है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक। नेक्स्ट, प्रदूषण का कारण होता है, हमें बताना है कि प्रदूषण का कारण क्या होता है। तो देखो प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण से सीधा सा मतलब रखना कि जब भी वातावरण में कोई कुछ अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि जितनी मात्रा होनी चाहिए उस मात्रा को कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो उसे हम प्रदूषण ही कहते हैं, ठीक। तो इसके जो ऑप्शन है, नंबर एक तापीय विद्युत गृहों का प्रयोग, नंबर दो घरेलू जलमल प्रवाह की अव्यवस्था, नंबर तीन परमाणु विद्युत गृहों की कार्य की, नंबर चार उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही है वो है उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि डी। देखिए तापीय विद्युत गृहों से भी होती है, ठीक है, प्रदूषण किससे, तापीय विद्युत गृह हैं उनसे भी होता है, घरेलू जलमल जो प्रवाहित होता है उससे भी होता है, और परमाणु विद्युत गृहों में जो कार्यकारी होती है, जो काम चलता है, कार्यकारी मतलब काम चलता है, उससे भी होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी सभी। नेक्स्ट, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में सम्मिलित है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, तो इसका हमें आंसर बताना है, नंबर एक अवशिष्टों का संग्रह, नंबर दो अवशिष्टों का निस्तारण, नंबर तीन अवशिष्टों का पुनर्चक्रण, नंबर चार उपर्युक्त सभी। तो ये सभी ही हैं, ठीक है, इसका जो सही होगा वो है डी, यानी कि डी। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रकोप में सम्मिलित है,
प्राकृतिक प्रकोप बताने हैं। अच्छा, आपदाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मानवकृत, दूसरी होती है प्राकृतिक। ठीक है, अब मानव वाली कौन सी होती हैं, वो सारी आपदाएं जो कि मानव के द्वारा आती हैं, जैसे कि आग लग जाना। ठीक है, कहीं पर आग लग गई, रेडियोधर्मी जितनी भी है वो ज़्यादातर मानव ही करता है, कहीं पर विस्फोट कर दिया तो उससे जो प्रदूषण हुआ वो भी मानवकृत होगा। और प्राकृतिक रूप से अगर पूछा जाए तो वो जैसे कि बाढ़ का आ जाना, ठीक है, बाढ़ आ गई कहीं पर, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, है ना, ये जो सब हैं ये होंगे प्राकृतिक। और इसमें क्या पूछा गया है, प्राकृतिक प्रकोप, तो बाढ़ भी है, भूकंप भी है और सूखा भी है, तो इसका जो सही होगा वो है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन पहले तो समझना, जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म से मतलब है कि वनस्पति, यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधा या फिर मनुष्य, ये यानी कि जो भी जीव जंतु हैं जो जिनमें पहले जान थी जो कि मरने के बाद अब ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। और ये कैसे होते हैं, बहुत समय पहले क्या होता, क्या हुआ होगा, जैसे कि कोई पेड़ पौधे हैं, ये हैं पेड़ पौधे, ठीक है, यहाँ पर कोई एक जंतु है ऐसे, अब ये मर गए, यहाँ पे मिट्टी पड़ गई, ठीक है, यहाँ पे एक परत जम गई, ऐसे ही टाइम होता गया, परत दर परत जमती गई, तो एक समय बाद क्या हुआ, ये जो है नीचे जो जीव दबे हुए हैं ये बदल जाएंगे जीवाश्म में। और इससे क्या, ये किस में आते हैं, जैसे कि पेट्रोल या फिर जितने भी हमें जो खनिज पदार्थ जितने भी प्राप्त होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं, क्या, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, दोनों ही हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका जो सही होगा वो उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यता होता है, यानी कि बायोगैस में मुख्यता क्या होता है हमें ये बताना है, मीथेन, ऑक्सीजन, इथेन या फिर हाइड्रोजन, तो बायोगैस में मुख्यता जो होता है वो है मीथेन, ठीक, तो इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब निकलती है, इसमें हमें बताना है कि जब हम कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, कोल गैस या फिर कोक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। हम कभी भी जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से निकलती है कोल गैस, ठीक है, इसे याद कर लो, कोयला से कोल, कोयला से कोल गैस, ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तित होती है, देखो ये है पेड़ पौधे, ठीक है, फूड चेन देखी है ना आप लोगों ने, नहीं देखी रुको हम दिखाते हैं, ये है फूड चेन, ठीक है, ये है कोई भी घास वगैरह। अब हमसे पूछा गया था ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में, ठीक है, तो ये है घास, ये सन से ले रही है लाइट, ठीक है, और फिर ये बनाते हैं भोजन, यानी कि जितने भी उत्पादक हैं वो सन से लाइट लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो सनलाइट है ये कैसी है, अकार्बनिक, ठीक है, ये मान लेना आगे लिखा है अकार्बनिक, ये अकार्बनिक से किस में बदल रहे हैं, कार्बनिक में, यानी कि भोजन बना रहे हैं तो ये किस में बदल रहे हैं, कार्बनिक में, ठीक है, ये कैसी है, ये है नॉन लिविंग थिंग और ये है लिविंग थिंग, तो ये कैसे होगी, ये रासायनिक होगी और ये अरासायनिक, तो याद रखना ये हमेशा किस में, अकार्बनिक से बदलते हैं कार्बनिक में और अकार्बनिक से रासायनिक में। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन, ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में तो होगी नहीं क्योंकि सौर से तो ये लेती है ऊर्जा, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं वो किससे लेते हैं, सौर ऊर्जा से ही अपनी ऊर्जा लेते हैं भोजन बनाने के लिए, और विद्युत में होगी नहीं और विकिरण में भी नहीं, ये किस में करते हैं परिवर्तित, ये करते हैं रसायन में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है, नंबर एक मीथेन, नंबर दो ब्यूटेन, नंबर तीन हेप्टेन, नंबर चार इनमें से कोई नहीं,
तो जो सीएनजी गैस होती है उसका मुख्य घटक होता है मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी है इसमें, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लेना प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है, इसमें पूछा गया है कि सूर्य में ऊर्जा किस तरीके से निर्माण होती है। तो दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, याद रखना हमेशा, एक होती है विखंडन और दूसरी होती है संलयन, संलयन, ठीक है। विखंडन में क्या होता है, जैसे कि ये एक परमाणु है, ठीक है, या अणु है, कुछ भी समझ लो, ये इस तरीके से टूटता है तीन में, और ये आगे जाकर के टूटते हैं तीन में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया विखंडन। अब आता है संलयन। संलयन में क्या होता है, ये कोई दो नाविक हैं, ये मिलकर के एक बनाती है, वो टूट रहे थे किसमें, एक से अधिक में, और ये एक से अधिक मिलकर के एक को बनाते हैं। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन से, क्योंकि ये ऐसा तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं ना कि एक सूरज से दो सूरज बन गए हों, दो से तीन बन गए हों, ये तो नहीं बन रहे हैं, सूरज तो एक ही है, है ना, सूर्य एक ही है। तो उससे याद रखना कि उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है संलयन। संलयन से याद कर लो, साथ में रखना, ठीक, संलयन साथ, ऐसे याद कर लो, ये याद बना रहेगा संलयन से। नेक्स्ट जीवमंडल है, नंबर एक पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, या पृथ्वी पर पृथ्वी तथा उनके वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो देखो ये हो गया जलमंडल, ये है वायुमंडल और ये है पृथ्वी, ठीक है, जलमंडल वायुमंडल और ये भूमि मान लो, और इसका ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये तीनों चीज़ उपलब्ध होती हैं इसे हम कहते हैं जीवमंडल, जीवमंडल, ठीक है। तो जीवमंडल में क्या आएंगे, पृथ्वी तथा उनके वातावरण में जीवधारी। नेक्स्ट इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, इसमें हमें बताना है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये किया था रेटर ने, ठीक है, रेटर ने। नेक्स्ट, और अगर पूछा जाए इकोसिस्टम तो याद रखना टॉन्सली। नेक्स्ट है चक्रीय जल को नियंत्रित करते हैं, चक्रीय जल है जो उसे कौन नियंत्रित करते हैं, नंबर एक वन, नंबर दो शैवाल, नंबर तीन लाइकेन, नंबर चार घास स्थल। तो जो चक्रीय जल है उसको नियंत्रित करती हैं वन, ठीक है, क्योंकि वन होंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होगी जिससे कि जल चक्र है वो मेंटेन रहे। आज हमने कर लिया 180 क्वेश्चन कंप्लीट, कुल 180। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।